हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेकओवर। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप सभी के लिए गई हूँ परमानेंट स्ट्रेटनिंग की वीडियो। मैं आप लोग को स्ट्रिक्स ब्रांड की आज परमानेंट स्ट्रेटनिंग बताने वाली हूँ। सो मेरे चैनल पे ऑलरेडी लॉरियल, स्कॉच कॉफ, मैट्रिक्स सारे ब्रांड की मैंने परमानेंट स्ट्रेटनिंग शेयर की है, बट स्ट्रिक्स कंपनी की कभी शेयर नहीं की थी, तो मैंने सोचा शेयर कर लेती हूँ। काफ़ी अमेजिंग रिजल्ट आया है। मैंने भी फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, मुझे इतना अच्छा इसका रिजल्ट लगा, मैं क्या ही बताऊँ। सबसे पहले मैं आपको बिफोर दिखा देती हूँ क्लाइंट के हेयर। मेरी क्लाइंट ने ना टेम्प्रोरी स्ट्रेटनिंग किया हुआ था, क्योंकि इन्होंने एक दो दिन पहले वेडिंग अटेंड की थी, तो मैंने इनसे पिक्चर्स मांग ली थी इनके रियल हेयर की। आप देख सकते हो इनकी हेयर काफ़ी ज़्यादा कर्ली है, वो तो इन्होंने टेम्प्रोरी स्ट्रेटनिंग किया था, इस वजह से तब भी ऐसा हेयर लग रहा था। इसके बाद मैंने हेयर वॉश किया था तो भी मुझे ना इतना ज़्यादा कर्ली नहीं लगा, बट मैंने पिक्चर्स में देखा काफ़ी ज़्यादा इनके हेयर कर्ली थे। आप देख सकते हो मेरे क्लाइंट के हेयर प्योर कर्ली है, मतलब आप लोग प्रॉपर कर्ली। मैं यूज़ कर रही हूँ स्ट्रिक्स प्रोफेशनल कैनवो लाइन हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम, जिसमें मैं यूज़ कर रही हूँ इंटेंस जीरो एंड न्यूट्रलाइजर। मैं आगे इसके बारे में बात करूँगी, तो मैं आपको आगे दिखाई दूँगी। सबसे पहले तो आपको शैम्पू करना है, प्योरीफाइंग शैम्पू आपको यूज़ करना है, लॉरियल की, वेला की, कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो, इवन स्ट्रिक्स की भी आप यूज़ कर सकते हो। डन। आपको शैम्पू दो बार अच्छे से कर लेना है, कंडीशनर यूज़ नहीं कीजिएगा, क्यूटिकल्स बंद हो जाएंगे हेयर के। नेक्स्ट आपको क्या करना है, टॉवल ड्राई। नेक्स्ट आपको ब्लो ड्राई, ब्लो ड्राई पहले ठंडा हवा देना है फिर गर्म हवा देना है। और ड्रायर के लिए मैं चियोवा की ड्रायर का यूज़ कर रही हूँ। मैं सारी प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, इनकेस अगर आप कुछ भी लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। हेयर वॉश करने के बाद इनके हेयर कुछ इस तरह के नज़र आ रहे थे। मैंने ना पैरेलल ब्रश से ब्लो ड्राई कर दिया था, इस वजह से बहुत हद तक हेयर स्ट्रेट हो गए थे, तो इस वजह से मैंने बिफोर लगा दिया था ताकि आपको एग्जैक्ट समझ आए कितने कर्ली हेयर थे। इसके बाद यहाँ पे हो रहा है आयरन। जिनके बहुत ज़्यादा कर्ली एंड वेवी हेयर होते हैं ना, आप डायरेक्टली क्रीम अप्लीकेशन मत क्या करो वेट हेयर में, आप क्या करो थोड़ा सा स्ट्रेटनिंग कर दो, लाइट आयरनिंग करनी है आप लोगों को, बहुत ज़्यादा आयरनिंग नहीं करनी है। गाइस, आपको बहुत ज़्यादा हार्ड प्रेशिंग नहीं करनी है, बहुत लोग हार्ड प्रेशिंग कर देते हैं, वो नहीं करना है, एकदम नॉर्मल प्रेशिंग कीजिए। हेयर काफ़ी अच्छे हैं इनके, क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी हेयर की। नेक्स्ट मैं आपको क्रीम दिखा रही हूँ, तो मैं यूज़ कर रही हूँ स्ट्रिक्स प्रोफेशनल की कैनवो लाइन हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम एंड सेकेंड हैंड न्यूट्रलाइजिंग क्रीम। मैं यूज़ कर रही हूँ इंटेंस जीरो नंबर बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है, यानी कि एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट होता है, यानी कि हार्ड रहता है। ये हम यूज़ करते हैं वर्जिन हेयर पे, जिनके हेयर में डाय हिना है, जिनके हेयर बहुत ज़्यादा कर्ली है। 1 नंबर आप ले लेना स्ट्रिक्स का, अगर क्लाइंट के हेयर में पहले से हाईलाइट्स होंगे। मैं यहाँ पे इंटेंस यूज़ कर रही हूँ 0 नंबर, क्योंकि मेरे क्लाइंट के हेयर वर्जिन है एंड बहुत ज़्यादा कर्ली है। 0, 1, 2 तीनों आता है स्ट्रिक्स कंपनी में, तो इंटेंस हो गया थोड़ा सा हार्ड, 1 नंबर हो गया थोड़ा सा उससे हल्का लाइट रहता है, एंड 2 नंबर उससे भी माइल्ड होता है। 1 और 2 का हम इस्तेमाल करेंगे जिनके हेयर बहुत वीक है, जिनके हेयर में पहले से ही कलर है, बेसिकली हाईलाइट्स है, एंड जिनके हेयर में डाई है, हिना है, वर्जिन है, कर्ली है, उनके भी आपको 0 नंबर यूज़ करना है, यानी इंटेंस जो अभी यूज़ कर रही हूँ मैं। तो क्रीम अप्लीकेशन हम कैसे करते हैं, जैसे मैंने बाकी सारी वीडियो में आप लोगों को बताया, नेप एरिया से स्टार्ट करना है आप लोगों को, छोटा छोटा पोर्शन लेना है आप लोगों को, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं लेना है, क्योंकि ये क्रीम बहुत ज़्यादा थिक होता है तो ये हर जगह स्प्रेड नहीं होगा, तो आपको एकदम अच्छे से प्रॉपर छोटा छोटा सेक्शन लेना है, क्रीम अप्लीकेशन करना है रूट से 1 या 2 इंच छोड़ के, इमल्सिफिकेशन करना है, कॉम करना है, कॉम के पीछे वाली पॉइंट से नीट करना है, यही वाला प्रोसेस आपको पूरे हेयर में करना है। एंड ये वाला क्रीम ना 15 मिनट के अंदर अप्लाई हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे मेरे स्टूडेंट लोग भी मेरी हेल्प कर रही है, आप देख सकते हो, अब तो ये लोग भी प्रो बन चुकी है, मीन्स 2 मंथ हो चुका है इनका पूरा मतलब कोर्स देखा हुआ, तो अब ये लोग अभी बहुत हद तक हाथ फ्रेश हो चुका है, तो यहाँ पे एक तरफ वो लोग अप्लाई कर रही है, एक तरफ मैं कर रही हूँ। मैंने क्या बोला आप लोगों को, इसको आपको अप्लाई करना है 15 to 20 मिनट के अंदर। फर्स्ट क्रीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट क्रीम का अप्लीकेशन ना एकदम ध्यान से आपको करना है, कम से कम आपको 20 मिनट या 15 मिनट के अंदर अप्लीकेशन कर देना है। बहुत लोग ना 40 मिनट लगा देते, तो वो गलत है, वो नहीं करना है आप लोगों को। बस आपको थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेना है, रूट से 1 इंच छोड़ दीजिएगा, एनिमल्सिफाई कीजिएगा, कॉम कर दीजिएगा, कॉम के पीछे वाली पॉइंट से नीट कर दीजिएगा, एंड आप बिलीव नहीं करोगे इनके हेयर में, जैसे 15 मिनट के अंदर अप्लीकेशन हो गया था एंड इनके हेयर में ना तुरंत रिजल्ट आ गया था। मीन्स हम फर्स्ट क्रीम को जब अप्लाई करते हैं ना, उसको रहने देते हैं एटलीस्ट 20 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए, कभी कभी 40 मिनट के लिए, बट इनके हेयर में रिजल्ट तुरंत आ गया। मीन्स
जो फर्स्ट क्रीम काम करता है, फर्स्ट क्रीम क्या काम करता है, हेयर के बॉन्ड को ब्रेक करता है, ठीक है। एंड सेकेंड क्रीम क्या करता है, जो हमने हेयर के बॉन्ड को ब्रेक किया है फिर उसको नया शेप दिया, उसको लॉक करता है। तो फर्स्ट क्रीम ना थोड़ा सा टाइम लेता है, बट इनके हेयर में 5 से 10 मिनट के अंदर आ गया था, मतलब 15 मिनट जो एप्लीकेशन में लगा ना उसके 10 मिनट के बाद मैंने चेक किया, विजुअल चेकिंग मैंने की एंड तुरंत इनके हेयर के बॉन्ड ब्रेक हो चुके थे। मीन्स मुझे लगता है इनके हेयर में ना 20 या 25 मिनट के अंदर हेयर के बॉन्ड ब्रेक हो चुके थे, जो कि बहुत ही फास्ट प्रोसेस था। मे बी इनके हेयर बहुत ज़्यादा थिन मुझे लगे क्वालिटी से, तो इस वजह से। सो मैंने क्या बोला आप लोगों को, विजुअल चेकिंग करना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन कर देते हो ना, आप सबसे पहले पीछे वाले हेयर के चेक कर लो, हेयर के बॉन्ड ब्रेक हुए या नहीं। मैं आप लोग को आगे बताऊंगी कि हेयर के बॉन्ड ब्रेक हुए या नहीं कैसे चेक करते, उसे हम स्ट्रैंड टेस्ट बोलते हैं। उससे पहले आप ये एप्लीकेशन देख रहे हो, एकदम फास्ट एप्लीकेशन हो रहा है, रूट से 1 इंच छोड़ के इमल्सिफिकेशन इस तरह से, कॉम के पीछे वाली पॉइंट से नीट, बस आराम से आपको करते जाना है, फेस पे अप्लाई नहीं करना है आप लोगों को। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा स्ट्रिक्स का प्रोडक्ट, मुझे इसका रिजल्ट भी काफ़ी अमेजिंग लगा। आप ले सकते हो स्ट्रिक्स के प्रोडक्ट, काफ़ी अच्छे है। ये तो न्यू पैकेजिंग है इनकी, पहले इनकी दूसरी पैकेजिंग आती थी, तो मुझे ये वाला रिजल्ट काफ़ी अच्छा लगा। मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ, हाईली कि आप इन सारे प्रोडक्ट को ज़रूर लो। अगर आप अपने पार्लर में हर तरह की स्ट्रेटनिंग रखना चाहते हो तो आप स्ट्रिक्स कंपनी की भी रख सकते हो। सो आराम से यहाँ पे देख रहे हो आप, एप्लीकेशन हो रहा है। तो देखिए आप पहले किस तरह से एप्लीकेशन हो रहा है, तब मैं आपको आगे बताऊँगी स्ट्रैंड टेस्ट हम कैसे करते हैं। ऑल राइट गाइज, तो क्रीम एप्लीकेशन हो चुका है। इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ 5-10 मिनट्स के लिए रहने दिया था, एप्लीकेशन 15 मिनट के अंदर हो गया था। उसके 10 मिनट के बाद मैंने तुरंत चेक करना स्टार्ट किया, विजुअल चेकिंग हम उसे बोलते हैं, यानी स्ट्रैंड टेस्ट। आपको हेयर के पतला सा पोर्शन लेना है एंड इस तरह से खींचना है आपको, एंड इस तरह का एस आकार का शेप बन रहा है अगर, यानी इलास्टिक टाइप आपको लग रहा है इस तरह का, तो आप समझ जाओ हेयर के बॉन्ड ब्रेक हो चुके। इस तरह का शेप ज़रूर बनना चाहिए, मींस एस आकार का, मतलब इस तरह से जिगजैग। मैंने हर एक पोर्शन में आपको करके दिखाया, बस आपको एक हेयर को लेना है, खींचना है आपको, इसे हम स्ट्रैंड टेस्ट बोलते हैं। इस पूरे प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें, अगर आपके हेयर के बॉन्ड ब्रेक नहीं हुए होंगे ना तो कोई भी मतलब नहीं बनता है परमानेंट स्ट्रेटनिंग का, तो ये हो जाना चाहिए। तो बस मैंने 15 मिनट और रखा था, मीन समझो 15 मिनट एप्लीकेशन है, मुझे लगा था 15 मिनट बस मैंने इसे रखा था, अप्रॉक्स 30 मिनट। तो जब हम क्रीम अप्लाई करते हैं ना, वहाँ से हम टाइम जोड़ना स्टार्ट करते हैं, तो आप ऐसा समझो मैंने सिर्फ 25 से 30 मिनट के लिए रखा, तो उससे ज़्यादा मैंने नहीं रखा था। नेक्स्ट यहाँ पे हो रहा है इमल्सिफिकेशन, शैम्पू से इनके पास ले जाना है क्लाइंट को, 10 मिनट तक इमल्सिफिकेशन करना है, देन प्लेन वाटर से हेयर को वॉश कर देना है, प्लेन वाटर से वॉश करना है। नेक्स्ट आपको यूज़ करना है ड्रायर, आपको पहले ठंडा हवा देना है फिर गर्म हवा देना है। नेक्स्ट आपको पैडल ब्रश से स्ट्रेट ब्लो ड्राई कर देना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आयरनिंग। तो गाइज आयरन मशीन के लिए मैं आइकॉनिक प्रो स्ट्रेट का यूज़ कर रही हूँ एंड आइकॉनिक ग्लैम स्ट्रेट का भी यूज़ कर रही हूँ, दोनों का यूज़ हो चुका था, ये हाफ हो चुका है स्ट्रेट। सो गाइज जब आप आयरन करते हो ना, आपको पतला पोर्शन लेना है एंड आपको एक हेयर को एटलीस्ट 10-15 टाइम स्ट्रेट करना है, पोकर स्ट्रेट, एंड हेयर में शाइन आना चाहिए इस तरह का। अगर इस तरह का शाइन नहीं आ रहा है तो थोड़ी सी गड़बड़ है, इस तरह का शाइन आना चाहिए। बस आपको आयरनिंग जो करनी है, कम से कम आपको ऐसा करना है कि मतलब ऑसम रिजल्ट लगे, मतलब समझ रहे हो, ऑसम लगे दिखने में भी सामने से, क्योंकि आयरनिंग एक ऐसा स्टेप है गाइज जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला, हमने अभी हेयर के बॉन्ड को ब्रेक किया है, तो अभी क्या करें, मैं आयरन से उसको एक नया शेप दे रहे, मतलब जैसे कि मैं कैसे बताऊं आप लोगों को, कोई सामान रहता है ना, उसको हम जैसे लोहा रहता है या फिर कोई एग्जांपल ले लो, उसको हम तोड़ते हैं, उसको पिघलाते हैं, फिर उसको नया शेप देते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पे हेयर के बॉन्ड ब्रेक हुए हैं। नेक्स्ट हम क्या करें, हेयर में
एक नया शेप दे रहे हैं, अभी ये नया शेप है। नेक्स्ट इसके ऊपर हम क्या करेंगे, न्यूट्रलाइजर का यूज़ करेंगे। न्यूट्रलाइजर क्या काम करता है, न्यूट्रलाइज करता है बेसिकली, एंड क्या करता है, जो हेयर का शेप अभी हमने दिया उसको लॉक करता है, समझ गए आप, जस्ट लाइक फेविकॉल वो काम करेगा, पैसा समझो। तो न्यूट्रलाइजर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसका नाम रखा गया न्यूट्रलाइजिंग क्रीम, क्योंकि वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है हेयर को। सो इसके बाद वाला स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटनिंग में क्या होता है गाइज, थोड़ी बहुत गलती के कारण रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। मैं भी जब बिगनर थी ना, मुझसे भी थोड़ी बहुत गलती होती थी, बट अब मुझसे नहीं होती है क्योंकि अब मैंने एक्सपीरियंस ले लिया है, सीख लिया है बहुत वर्क करते करते। सो मैं आपको भी यही बोलूँगी, सबसे इंपॉर्टेंट तो आप घर ही देखा करो, टाइमिंग, आप हर एक टाइम देखो कितने में अपने आयरन किया है, कितने में क्रीम अप्लीकेशन किया है, कितने में न्यूट्रलाइजर अप्लाई कर रहे हो, सब कुछ टाइमिंग पे होता है। सो ये सब बात का ध्यान रखना है। एंड आयरन मशीन आप जो भी यूज़ करते हो, टाइटेनियम प्लेट होनी चाहिए एंड सेरेमिक प्लेट होनी चाहिए। आप आइकॉनिक की ग्लैम S3 कोई भी ले सकते हो, इवन आप हैवल्स की यूज़ कर सकते हो, इवन आप एलन ट्रूमन की यूज़ कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी आइकॉनिक की लेना। अगर मुझे एक दो का लिंक मिल गया कुछ डिफरेंट स्ट्रेटनर का, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आयरन हो जाने के बाद 10 मिनट्स के बाद रुकना है आपको, कटिंग सिरवेयर करवा देना क्लीन, उसके ऊपर मैंने रखा था अल्मोनियम फॉल को, नेक्स्ट या न्यूट्रलाइजिंग क्रीम को निकाला जा रहा है बाउल में। न्यूट्रलाइजिंग क्रीम थोड़ी सी रनी होती है, लिक्विडी फॉर्म में होती है। सो न्यूट्रलाइजिंग क्रीम में ना मैं ग्लव्स वेयर नहीं करती हूँ, एंड फर्स्ट क्रीम में मैं ग्लव्स को वेयर करती हूँ, क्योंकि फर्स्ट में बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, सेकेंड में नहीं भी कर रहे हो तो चलेगा, बट मुझे ऐसा लगा लोरियल का जो न्यूट्रलाइजर होता है ना, उससे थोड़ा ये हार्ड था, मीन्स ये मुझे थोड़ा सा लग रहा था फिंगर में मेरे। सो न्यूट्रलाइजर अप्लीकेशन बहुत ही बारीकी एंड ध्यान से देखिए, न्यूट्रलाइजर अप्लीकेशन आपको अकेले करना है, दो आदमी की हेल्प से करो लेकिन थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि हिलना डुलना नहीं है इसमें, क्लाइंट को भी बोलना है कम से कम 15 मिनट के लिए हिले डुले नहीं। एंड इस क्रीम का भी अप्लीकेशन आपको 20 या 15 मिनट के अंदर कर देना है, मैंने अकेले किया था, मुझे 20 मिनट लग गए थे, 20 to 22 मिनट। सो नए पीरियड से स्टार्ट करना है आप लोगों को, अच्छे से क्रीम अप्लीकेशन करना है, इमल्सिफिकेशन करना है, कॉम करना है, कॉम के पीछे वाली पॉइंट से नीट करना है। ये क्रीम अगर रूट के पास से लग भी जाता है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको डायरेक्टली स्कैल्प पे नहीं लगाना है, बट हाँ रूट से लगाइएगा इस क्रीम को, मीन्स आप समझ रहे हो ना, छोड़ना नहीं इस बार 1 इंच को, आगे पीछे हर जगह लगा दीजिएगा। एंड अल्मोनियम फॉल मैंने इसलिए रख दिया है, उससे क्या होता है थोड़ा सा हीट जल्दी प्रोड्यूस होता है, प्रोसेस जल्दी फास्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को करने में आपको 4.5 घंटे या 5 घंटे लग सकते हैं, तो आराम से आपको धीरे धीरे करना है। बहुत लोग मुझसे कमेंट में ये भी पूछ रहे थे कि मैम अगर लाइन कट जाता है आपके पार्लर में तो आप क्या करते हो। सो आप जानते हो कि मेरा पार्लर मेरे घर के अंदर है, मैंने बाहर नहीं खोला है क्योंकि मुझे अलाउ नहीं है। सो क्या होता है, जैसे मैंने लाइन तो अलग कर लिया है पार्लर का, जैसे बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि आपके पार्लर का लाइन अलग है कॉमर्शियल है, तो हाँ मैंने अलग किया हुआ है, बट जैसे लाइन करते हैं ना मुझे कुछ देर वेट करना होता है 10 to 15 मिनट्स के लिए, उसके बाद मैं प्रोसेस स्टार्ट कर देती हूँ, बट अलग से मैंने कुछ भी जनरेटर वनेटर नहीं लगाया। इन्वर्टर है जो कि आप देख रहे हो, पार्लर में इन्वर्टर रहना बहुत ज़रूरी है, बट जनरेटर नहीं है। सो अगर आप भी घर में खोल रहे हो तो आप कर सकते हो इस तरह से, थोड़ा बहुत आपको मैनेज करना पड़ेगा, बस आपको लाइन थोड़ा अलग करना पड़ेगा। मैं आप लोग को नैरेटिव सेंट्रिक ज़रूर दूंगी किस तरह से पार्लर को रन करते हैं, किस तरह से ग्रो करते हैं, क्योंकि टचवुड मेरा घर के अंदर पार्लर एकदम छोटा सा है फिर भी अच्छा रन करता है, क्योंकि मैं काम अच्छा करती हूँ। अगर आप भी काम अच्छा करोगे ना तो आपके पास बहुत तरह के क्लाइंट आएंगे। मानती हूँ कि अंदर रहने पे ना ज़्यादा क्लाइंट नहीं आपको आएंगे अगर आपने नया नया स्टार्ट किया, बट अगर एक बार आपको चल गया ना पार्लर तो कहीं भी आपका पार्लर हो कस्टमर ज़रूर आएंगे। तो बस, एंड बहुत लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि मैम कस्टमर कैसे बनाए हम, हमारे पास तो कस्टमर ही नहीं आते हैं। तो गाइज आप ना थोड़ा सा रेट कम कर दिया करो, जैसे मार्केट का रेट पता कर लो उससे थोड़ा सा कम कर दो, एंड सर्विस थोड़ी हाई कर दो, थोड़ा थोड़ा बात का ध्यान रखना है आपको, उसके बाद आपका पार्लर ज़रूर रन करेगा। सो न्यूट्रलाइजर अप्लीकेशन आप देख रहे हो कितनी अच्छे से हो रहा है। न्यूट्रलाइजर क्रीम तो बिल्कुल कंजूसी से अप्लाई मत कीजिएगा, एकदम अच्छे से अप्लाई करना है आपको। आप देख रहे हो मैं कितना क्रीम अप्लाई कर रही हूँ, अप्लाई कॉम करती हूँ एक बार, एंड कॉम के पीछे वाली पॉइंट से नीट कर देती हूँ, बस इसी तरह से आपको करना है। एंड फ्रंट वाले हेयर में अगर आपको फ्लैट लुक चाहिए तो आप ईयर टू ईयर इस तरह से रख दोगे, बस ख़त्म। एंड गाइज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दूँगी रिबॉन्डिंग का, एंड आपको ऊपर आई बटन पर भी मैं लिंक दे दूँगी, मेरे अदर रिबॉन्डिंग या स्मूदिंग की वीडियो को आप चेक कर लीजिएगा। आप मेरी 3-4 वीडियो को चेक करोगे तो आप आराम से घर पे ये वाला प्रोसेस कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस ले लेना है, एक बार मम्मी या
सिस्टर के हेयर पर प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आप क्लाइंट को आराम से डील कर लोगे। सो क्रीम अप्लीकेशन के बाद आपको 25 मिनट के लिए न्यूट्रलाइजिंग क्रीम को रहने देना है। मैंने एल्युमिनियम फॉइल से कवर भी कर दिया था ताकि जल्दी प्रोसेस हो जाए। 25 मिनट जैसे ही हो जाते हैं, मतलब क्रीम अप्लीकेशन के बाद का बता रही हूँ मैं आप लोगों को, 20 मिनट भी आप रख सकते हो। उसके बाद आपको इमल्सिफिकेशन करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे यूज़ करना है मास्क। मैं लॉरियल एक्सटेंसो का रिकमेंड करूँगी। मैंने क्लाइंट को भी रिकमेंड किया था लॉरियल एक्सटेंसो का शैम्पू, सीरम एंड मास्क। वो चाहे तो स्ट्रिक्स कंपनी का भी ले सकते हैं, बट मुझे लॉरियल का शैम्पू, कंडीशनर एंड जो भी होता है मास्क सीरम अच्छा ज़्यादा लगता है, तो मैंने यही वाला उनको बोला था यूज़ करने को। क्लाइंट अगर आपसे शैम्पू, कंडीशनर, सीरम ले रहे हैं तो आप उनसे चार ले लेना, या फिर आप उनको रेकमेंड कर देना, वो शॉप से ही परचेस कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे अच्छे से हेयर वॉश कर दिया था। मास्क को 5 मिनट्स के लिए रहने दीजिएगा ओनली। उसके बाद रिंस ऑफ। नेक्स्ट आपको प्लेन वाटर से हेयर को वॉश कर देना है। नेक्स्ट आपको अप्लाई करना है सीरम स्ट्रिक्स ब्रांड की। नेक्स्ट आपको करना है ब्लो ड्राई, स्ट्रेट ब्लो ड्राई कीजिएगा। आपको आयरन मशीन की बिल्कुल भी नीड नहीं है, ऑप्शनल होता है आयरन मशीन। लास्ट में आप चाहे तो कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। एंड मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ, अमेजिंग रिजल्ट आएगा इस, अमेजिंग। मुझे तो बहुत ही अमेजिंग वाला रिजल्ट मिला है, मैं आपको दिखाती हूँ। सिर्फ और सिर्फ ब्लो ड्राई मैंने किया है। सो गाइस, सही रिजल्ट यही होता है अगर आप ब्लो ड्राई कर देते हो, उसके बाद हेयर आपको पूरी स्ट्रेट लगती है, तो आप समझ जाओ आपने रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग सही किया है। एंड अगर लास्ट वाले हेयर वॉश के बाद अगर आपको वेवी हेयर लग रहे, कर्ली लग रहे, फ्रिजी लग रहे, समझ जाओ आपने कुछ गड़बड़ की है। सो बस आप देख सकती हो। एंड गाइज, क्लाइंट ना ज़रूरी नहीं है लॉरियल एक्सटेंसो का ही सीरम यूज़ करेंगे, इसमें स्ट्रिक्स ब्रांड का भी यूज़ कर सकते, इवन स्ट्रिक्स का कैनवो वाला भी यूज़ कर सकते हैं शैम्पू एंड मास्क। बट मैंने लॉरियल का रिकमेंड किया था, सीरम इनको मैंने स्ट्रिक्स का रिकमेंड किया था। तो इवन वेला का भी यूज़ कर सकते हैं क्लाइंट, स्क्रैच कॉप का भी यूज़ कर सकते हैं। सो बस यही रहा फाइनल रिजल्ट का। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। लास्ट में मैंने यहाँ पे एक बार आयरन कर दिया था, इससे और ज़्यादा शाइन आ जाता है, पिक्चर्स क्लिक करने में अच्छा होता है। आप भी कर दीजिएगा, मैं बोलूँगी कर ही देना लास्ट में। आप फिर से एक बार सीरम अप्लाई कर दीजिएगा ऊपर से। एंड गाइज, रही बात प्रिकॉशन की, सो 48 आवर्स तक या 72 आवर्स तक क्लाइंट हेयर को कान के पीछे नहीं करेंगे। जब भी वो सोते हैं पिलो के पीछे हेयर को रख देंगे, हेयर को कॉम मैं बोल रही हूँ, मतलब हेयर में स्कार्फ नहीं लगाएंगे, फिर हेलमेट नहीं वेयर करेंगे, स्विमिंग नहीं कर सकते हैं, हेयर को टाई नहीं कर सकते रबर से, पसीना नहीं आने देना है। तो ये सब बात का आपको ध्यान रखना है, मतलब क्लाइंट को बोलना है ध्यान रखने को। वाटर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए फ्रंट के हेयर में, अदरवाइज फ्रंट से वेव आ जाएंगे। 72 घंटे का प्रिकॉशन होता है बेसिकली। सो ये सब बात आपको क्लाइंट को बता देना है। उसके बाद क्लाइंट घर में भी हेयर को वॉश कर सकते हैं सिंपली शैम्पू, मास्क, सीरम अप्लाई करके, या पार्लर भी आ सकते हैं 3 दिनों के बाद। मेरे क्लाइंट यहाँ के नहीं थे सहरसा के, वो मुझसे ना दूसरी जगह से स्ट्रेटनिंग करवाने आए थे, तो मैंने उनको ना दे दिया था शैम्पू, मास्क, सीरम, उन्होंने घर में ही हेयर को वॉश कर लिया। इसके बाद क्लाइंट 3 दिन के बाद भी हेयर स्पा ले सकते हैं, चाहे तो 15 दिन के बाद भी ले सकते हैं। बस आपको 72 आवर्स के बाद ही हेयर को वॉश करना है, या 48 आवर्स के बाद। सो ये सब प्रिकॉशन बता दीजिएगा, बात बाकी कुछ भी नहीं है। एंड जितना वो हेयर स्पा लेंगे ना, 2 मंथ पे, 3 मंथ पे, उनके हेयर इतने ज़्यादा अच्छे रहेंगे। एंड ये रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग कम से कम 2 साल तक तो ज़रूर रहता है हेयर में, डिपेंड करता है हेयर ग्रोथ पे। अगर हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट है तो ऊपर से तुरंत कर्ली हेयर आ जाएंगे, अगर नहीं है तो धीरे धीरे आएंगे। बट जो हेयर स्ट्रेट हो चुके हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, जब तक उसको कट ना करवाओ तो वो नहीं जाने वाले हैं। ये सब बात आप बोल देना, मैं ब्यूटिशियन हूँ तो आप लोगों को भी समझा रही हूँ। तो लाइक, शेयर, कमेंट, एंड क्या करना है आप लोगों को, सब्सक्राइब करना है गाइस। जल्दी से जल्दी 400 की करवा दीजिए मेरे, एंड मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक फॉलो कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। मैं बाय एंड टेक केयर।